तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बिलिंग का एक टॉपिक समझाने वाला हूँ, जिसे कहते हैं हम लोग RA बिल। एक ऐसा बिल जो कि चलती जाती है। और इस बिल को हम लोग कब यूज़ करते हैं, मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें बिल डालना है और वहाँ पे जो काम है वो बहुत बड़ा है। मान लीजिए वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा है, या वहाँ पे जो काम है वो आइटम वाइज लिया गया है और स्टेप बाय स्टेप है। जैसे पहले एक्सकवेशन होगा, फिर PCC होने वाली है, फिर उसके ऊपर हम लोग सरिया बांधने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग शटरिंग करने वाले हैं अलग अलग, और आइटम वाइज ही उसका रेट भी दिया गया है। या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा होता है कि बहुत लंबा काम है, सिंगल काम ही है लेकिन बहुत लंबा काम है, हम लोग पार्ट पार्ट में क्या करते हैं, एरिया वाइज हम लोग पैसा लेते हैं वहां पे। जैसे प्लंबिंग का काम हो गया, फ्लोर वाइज होता गया, फ्लोर वाइज हम लोग पेमेंट लेते गए, ऐसा काम हो सकता है ना, तो वहां पे हम लोग RA बिल का यूज लेते हैं। अब क्या है कि जैसे RA1 का मतलब रनिंग अकाउंट बिल नंबर 1, जिसमें हम लोग कुछ एरिया का पैसा हम लोग ले लेंगे, फिर हम लोग उस बिल के बाद कुछ दिन काम करने के बाद फिर RA2 डालेंगे, यानी कि रनिंग अकाउंट बिल नंबर 2, जिसमें हम लोग कुछ और अमाउंट डालेंगे। तो ये जो RA बिल है, इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को ही आज हम लोग एक्चुअली में समझने वाले हैं। देखिए, फॉर्मेट तो ऐसे बहुत कुछ है कि ऊपर में कंपनी का नाम रहेगा, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपके कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, फिर जाके आपका पैन नंबर, GST नंबर और भी बहुत कुछ। जो काम चल रहा है वो कौन से साइट पे चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन के लिए बिल दे रहे हो, बहुत कुछ रहता है। मैं उस चीजों को कवर नहीं करूंगा, हम लोग मेन बॉडी को समझेंगे। मेन जो बॉडी के अंदर में जो जो चीजें लिखी गई होती हैं उसका मतलब क्या होता है, वो चीज आज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए मैं अभी आपको एक्सेल शीट पे ले जाता हूँ और वहां पे मैं आपको करके मैं दो बिल दिखाऊंगा, RA बिल नंबर 1 और RA बिल नंबर 2, ताकि आपको प्रॉपर वहां पे हर एक चीज वहां पे क्लियर हो सके। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज आपको रेगुलर मिलते हैं इस चैनल पे। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट पे, अब इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर आपका यहाँ पे आ गया। सीरियल नंबर के बाद आपका यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोग अपना आइटम ऑफ वर्क लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका आइटम ऑफ वर्क आएगा। आइटम ऑफ वर्क में जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे एक्सकवेशन, तो एक्सकवेशन लिख दीजिए यहाँ पे, एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के बाद हम लोग वहाँ पे मान लीजिए PCC करेंगे, PCC के बाद मान लीजिए हम लोग RCC करेंगे, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 1, 2, 3, ठीक है, 3 नंबर आ गया। डिस्क्रिप्शन के बाद आपका आएगा यहाँ पे UOM, या बहुत जगह क्या होता है कि जस्ट यूनिट लिख देते हैं। UOM का मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस यूनिट में उस आइटम का जो क्वांटिटी है ना वो डिराइव किया गया है आपके BOQ में, बिल ऑफ क्वांटिटीज में, ये आप देख लीजिएगा। तो एक्सकवेशन मान लीजिए हम लोग का यूनिट मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है एक्सकवेशन का, CFT, तो CFT लिख दो यहाँ पे, CFT। PCC हमारा स्क्वायर फीट में कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे SFT लिख रहे हैं, और RCC मेरा क्यूबिक मीटर में, तो CUM हो गया, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा रेट, किस किस रेट में हमारा एक्सकवेशन का काम, PCC का काम, RCC का काम दिया गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैं जस्ट लिख देता हूँ कोई भी एक वैल्यू। तो CFT में यहाँ पे मैं एक रैंडम जस्ट समझाने के लिए कुछ भी एक वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे 5, 10, 15 कर देता हूँ, 5, 10, 15। इसका मतलब क्या है, पर क्यूबिक फीट का रेट 5 रुपया, पर स्क्वायर फीट का रेट आपका हो गया 10 रुपया, और पर क्यूबिक मीटर RCC का काम हो गया 15 रुपया, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं भैया, यही रेट कहीं मत दे देना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो एक्सकवेशन जनरली 15 से 20 रुपये हमारा होता है, तो उस सब चीज़ों पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम 5, 10, 15 भी कैजुअल एक ले लिए। उसके बाद हम लोग को ऊपर में क्या करना है, दो सेल को यहाँ पर मर्ज करना है। मर्ज क्यों करना है मैं बताता हूँ, और उसमें आपको लिखना है अप टू दिस बिल, ठीक है, अप टू दिस बिल, अप टू दिस बिल। मैं सब समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, और इसमें नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे क्वांटिटी कर देना है, और इसमें आपको अमाउंट कर देना है, ठीक है, अमाउंट। चलिए ये हो गया अप टू दिस बिल का। उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे दो सेल को मर्ज करना है, और इसमें लिखना है अप टू प्रीवियस बिल, ठीक है, अप टू प्रीवियस बिल। और सेम इसमें क्या करना है, ये क्वांटिटी और अमाउंट जो है ना इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, कंट्रोल से कॉपी करना और इसमें पेस्ट कर देना,
हो गया, बस सिंपल। अब वापस से यहाँ पे दो सेल को आपको मर्ज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है दिस बिल, ठीक है, दिस बिल। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी अमाउंट जो है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। चलिए इतना हो गया। यहाँ पे लास्ट में आपका एक रिमार्क्स आ जाएगा। रिमार्क्स में अगर कोई स्पेशल नोट आपको डालना है किसी आइटम के अगेंस्ट में तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मेन चीज़ ये नहीं था जो अभी मैं बताया हूँ, अब यहाँ से जो बताऊँगा ना वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। जैसे ये ऊपर दो लाइन में आ गया है तो इसको थोड़ा मर्ज कर देते हैं और थोड़ा इसको सजा देते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। इसको मर्ज किए, सारा ये हो गया। चलो इसको भी मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर डाल देता हूँ सारा में। ये बॉर्डर भी आ गया, ऊपर वाले को बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया, इसको मर्ज करना था, ये मर्ज हो गया। चलिए यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। अब ये जो है ये हमारा है RA1, मतलब रनिंग अकाउंट बिल नंबर 1 आपका, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे साइड पे काम हुआ, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब हम लोग क्लाइंट को बिल रेज करने वाले हैं, तो ये मेरा सबसे पहला बिल होने वाला है। तो सबसे पहला बिल हुआ तो हम लोग क्या किए कि एक्सकवेशन का एक क्वांटिटी लिए, PCC का एक क्वांटिटी लिए, RCC का एक क्वांटिटी लिए। वो क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, दिस बिल में बैठाएंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला बिल है हमारा, दिस बिल में बैठाएंगे। तो मान लीजिए एक्सकवेशन हम लोग जो कितना है, ये 100 CFT मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। PCC मेरा कितना स्क्वायर फीट है, मान लीजिए 150 स्क्वायर फीट है। और RCC का जो काम है वो कितना क्यूबिक मीटर है, मान लीजिए वो मेरा 50 क्यूबिक मीटर है। से सपोज मान लीजिए ये मेरा पहला बिल का आया, तो इसका अमाउंट देख लीजिए कितना होगा। क्वांटिटी हम लोग को पता है, रेट देखिए, रेट भी हम लोग को यहाँ पे पता है, रेट भी दिया गया है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना है, इस सेल में ले आना, प्लस करना, इस क्वांटिटी को रखना, मल्टीप्लाई का साइन देना और रेट से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए अमाउंट आपका आ गया। अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एक बार कर लोगे यहाँ पे साइड में जाना, देखिए छोटा सा एक प्लस का साइन आ रहा है, इसको पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग एक्सेल चलाना आता होगा तो ये सब कर लेना आप लोग। बस मतलब क्या है कि क्वांटिटी इनटू रेट कर दोगे तो अमाउंट हमारा निकल जाएगा। ये सबसे फर्स्ट टाइम जब आप बिल सबमिट करोगे तो। अब देखिए दिस बिल तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहीं पे खत्म हो गया क्या? नहीं, अब मेन चीज करना है। देख लो वही चीज मिस्टेक होती है बिल में। देखो अप टू प्रीवियस बिल में आपका कुछ भी क्वांटिटी अमाउंट होगा नहीं, ये तो आपका पहला बिल है, इससे पहले तो कोई बिल दिए नहीं थे। तो प्रीवियस बिल का क्वांटिटी की जगह आपका क्या आएगा, 000। अमाउंट भी आपका इस हिसाब से क्या आएगा, 000। अब आपको देखिए अप टू दिस बिल क्वांटिटी है ना, इसको भरना पड़ेगा। अप टू दिस बिल क्वांटिटी में क्या आता है, प्रीवियस बिल का क्वांटिटी प्लस दिस बिल का क्वांटिटी। इसमें ये चीज बताने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब मैं RA2 बताऊंगा ना तब ये चीज आपको समझ में आएगी। तो यहां पे फॉर्मूला में क्या बैठेगा, अप टू दिस बिल में दो चीजें ऐड होगी, मैं बोला ना दिस बिल क्वांटिटी प्लस प्रीवियस बिल क्वांटिटी। तो यहां पे एक प्लस का साइन डाल दीजिएगा, दिस बिल क्वांटिटी ये है प्लस प्रीवियस बिल क्वांटिटी ये है 0, टोटल मिला के ये 100 आया। क्योंकि हम लोग दिस बिल का क्वांटिटी जो है ना, ये दिस बिल का क्वांटिटी है, इसको डायरेक्टली बैठा सकते थे अप टू दिस बिल में, लेकिन इससे RA2 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे 0 डाल के, आपको समझ में आएगा आगे चल के। तो यहाँ पे देख लीजिए PCC की जगह क्या हो जाएगा, सेम प्लस डालिए, दिस बिल का क्वांटिटी प्लस अप टू प्रीवियस बिल का क्वांटिटी, ये डाल के आप इक्वल टू मारिए, ये आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आप ये भी कर दीजिए, तो मैं अब बार बार नहीं करूँगा, मैं इसको ड्रैग कर दिया, ये आ गया। देखिए 50 + 0 आपका ये 50 आ गया। अमाउंट भी सेम रहेगा, दिस बिल का अमाउंट प्लस प्रीवियस बिल का अमाउंट, ये दोनों को ऐड करना है, मतलब दिस बिल का अमाउंट प्लस प्रीवियस बिल का अमाउंट सेम आएगा। मैं इसको अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ RA Bill No. 1, ठीक है, ये बॉडी कंप्लीट हुआ, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए RA2 करते हैं। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारा चीज़ को मिटा दिया वैल्यू को, ये अब मेरा RA Bill No. 2 है, ठीक है, ये 2 मैं यहाँ पे लिख दिया। मतलब हमारी साइड पे जो काम चल रही थी, एक दो महीना और कुछ काम हो गया, उसके बाद हमारे हमें तो एक न्यू बिल डालना पड़ेगा ना, सेम चीज़ का, सेम वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो अब वो RA Bill No. 2 होगा, क्योंकि सेम काम जो यहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा था वो कुछ और बढ़ चुका है, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है वो तो बिल में आप डाल के पैसा लोगे ना, उसका उसको छोड़ थोड़ी दोगे, तो वही अब करना है। तो नेक्स्ट बिल में मान लीजिए जब हमने RA Bill 1 डाला था, उसके बाद से कुछ कुछ काम हुआ है सब में, और वो कुछ कुछ काम कितना हुआ है, RA Bill No. 1 के बाद से जो काम हुआ है एक्स्ट्रा, जो आप क्लेम अभी तक नहीं किए थे, वो सब आप डालोगे RA2 के
दिस बिल में मान लीजिए आर ए वन के बाद जो एक्स्ट्रा आपका काम हुआ है वो इतना इतना हुआ है। एक्सकावेशन को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 200, पीसीसी को मान लेता हूँ मैं 250 और आरसीसी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 75, कुछ भी एक रैंडम मान लिया यहाँ पे, मतलब आर ए वन के बाद ये एक्स्ट्रा काम इतना हुआ है। तो अमाउंट भी इसका निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो ये रेट से, तो ये आ जाता है। ठीक है, इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा, ड्रैग कर दिए तो ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ, तो इतना रुपया का हम लोग बिल करने वाले हैं। इसमें कितना रुपया का बिल था, इसमें देख लेते हैं, तो 2750 रुपया का बिल था मेरा आर ए वन। अब आर ए टू जो है ये मेरा कितना रुपया का बिल होने वाला है, 4625 रुपया। लेकिन ये सब चीज़ों को भी डालना पड़ेगा ताकि हम लोग ट्रैक कर पाएँ कि हम लोग टोटल काम कितना कर चुके हैं। हाँ, ये सब चीज़ देखना होता है। तो अब देखिए, अब आप लोग को क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, सबसे पहला काम जब भी आर ए टू बिल आप चालू कीजिएगा, मैं यहां पे अभी दिस बिल का क्वांटिटी है वो तो बैठा दिया, लेकिन आपका सबसे पहला काम होता है आपको चेक करना कि आपने ये बिल से पहले वाला जो बिल वहां पे सबमिट किया था उसमें आपका अप टू दिस बिल क्वांटिटी कितना था। ठीक है, उसमें आपका अप टू दिस बिल क्वांटिटी कितना था, मतलब देखिए ये आर ए वन है मेरा, इसमें अप टू दिस बिल वाला क्वांटिटी ये है, तो ये इस क्वांटिटी को आपको चुपचाप पूरा उठा के डाल देना है अप टू प्रीवियस बिल वाले क्वांटिटी में। ठीक है, ये आपका आर ए टू में। जब आर ए थ्री करेंगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो अप टू दिस बिल आने वाला है इस चीज को डाल देंगे हम लोग अप टू प्रीवियस बिल में आर ए थ्री वाले में। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा आर ए वन में अप टू दिस बिल है इसको उठा के हम लोग डालते हैं अप टू प्रीवियस बिल में। तो यहां पे क्वांटिटी की जगह क्या आएगा, देखिए यहां पे 100 था, ये 150, ये 50, वही हम लोग यहां पे बैठाएंगे 100 150 और ये 50। उसी के अगेंस्ट में जो अमाउंट था वो बैठा देना, ये 500 था तो ये 500 डाल दो, ये 1500 डाल दो और ये 750। ठीक है, आप ये डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते थे यहाँ पे रेट से लेके। एक्चुअली में ये सब ना लिंक रहता है एक एक शीट में, आप डालोगे तो ऑटोमेटिक ये सब आता जाएगा। मैं वो सब चीज़ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको पहले फॉर्मेट समझाता हूँ। अब देखिए हमारा ये चीज़ भर गया है, दिस बिल वाला क्वांटिटी भर गया है, अप टू प्रीवियस बिल वाला क्वांटिटी भी भर गया है। तो मैंने अप टू दिस बिल का क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, दिस बिल प्लस प्रीवियस बिल। अब देखिए प्रीवियस बिल में तो यहाँ पे वैल्यू है, इसमें जीरो था ना, लेकिन मैंने जीरो डाल के आपको बताया कि एक्चुअली में अप टू दिस बिल कैसे निकलता है। तो यहां पे अप टू दिस बिल कैसे निकलेगा, प्लस करो ये दिस बिल क्वांटिटी प्लस प्रीवियस बिल वाला क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको क्या करो, ड्रैग कर दो। सेम अमाउंट क्या होगा, दोनों को ऐड करो, ये दिस बिल का अमाउंट प्लस मेरा प्रीवियस बिल वाला अमाउंट, दोनों को ऐड कर दिए। अब ये टोटल इसको ड्रैग कर दीजिए। तो अभी तक हम लोग टोटल क्लेम कितना कर लिए हैं, आर ए टू में जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4625 रुपया, लेकिन टोटल क्लेम कितना कर लिए अप टू दिस बिल में जो ये अमाउंट है ना, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि टोटल हम लोग इस बिल को लेकर 7375 रुपया हम लोग क्लेम कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग सारे क्वांटिटी को भी चेक कर सकते हैं कि टोटल हम लोग, देखिए हम लोग जो एक्सकवेशन का काम है वो टोटल क्वांटिटी कितना हम लोग क्लेम कर चुके हैं सब मिला के, 300 CFT, क्योंकि इस बिल में हम लोग कर रहे हैं 200 CFT। इसका मतलब क्या है कि 100 CFT हम लोग पिछले वाले में किए थे, इस तरीके से हम लोग करते हैं। उसी तरीके से जब आर ए थ्री करेंगे ना, तो हमारा जो अप टू दिस बिल वाला क्वांटिटी है उसको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रीवियस वाले में डाल दीजिएगा, उसके बाद दिस बिल में जो आप लोग काम किए रहेगा एक्स्ट्रा वो डाल देना, फिर दोनों को ऐड करके आप अप टू दिस बिल में डाल सकते हो। तो ये होता है आर ए बिल का फंडा जनरली, ये सिंपल है। जनरली जो कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं वो यही बॉडी रहता है, लेकिन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं वहां पे, एडवांस हो गया, बहुत कुछ चेकिंग करनी होती है, अकाउंट्स का वो पार्ट है वो सब करना पड़ता है, लेकिन ये एक फंडा है, बिल को इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये बहुत कोई को यही फंडा क्लियर नहीं होता कि अप टू दिस बिल, अप टू प्रीवियस बिल, दिस बिल, ये चीज है क्या। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हुआ है, अगर मेरा समझाने का तरीका आसान लगा है, तो एक लाइक तो इस पे हो जाना चाहिए। क्यों, मैं मानता हूं कि मैं एक चीजों को बार बार रिपीट करता हूं, रिपीट करने का रीजन यही रहता है कि आप लोग के दिमागों में ना बैठ जाए वो चीज, बस यही मेरा मकसद रहता है कि आप लोग को समझ में आ जाए। 5 मिनट ज्यादा ही वीडियो अगर कोई हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है उससे, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना। कैसा लगा है वीडियो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज अगर आपको चाहिए और एक्सेल में सीख करके मैं आपको दिखाता रहूं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे वीडियो आप लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।